हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास चैप्टर एटन अंडरस्टैंडिंग वर्कशीट वर्कशीट नंबर 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 में क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ क्वार इन विच द डायगनल आर इक्वल एंड बाई सेक्ट अदर एट राइट एंगल्स वट कैन यू सी अबाउट द फिगर इज इट अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया ए बी सी डी एक क्वारिलेटर है तो मैंने यहाँ पर देखो इन्होंने आपसे पूछा है कि इसमें किस केस में बनेगा रेक्टेंगल रोमबस स्क्र तो मैंने रेक्टेंगल बना के उसको नेम दिया है एबीसीडी और रोम्बस बना के उसको नेम दिया ए बी सी डी देखो आप चाहे तो रोम्बस की ये वाली शेप बनाए या फिर एक पेरलेलोग्राम बना लें जिसकी साइड क्या हो सभी बराबर क्योंकि रोम्बस क्या होता है एक ऐसा पैरलेलोग्राम होता है जिसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल तो यहां से देखो ये इसके पैरल और इक्वल भी है ये इसके पैरल और इक्वल भी है तो मतलब ये रोम्बस ही है और यहां मैंने बनाया है एक स्क्वेयर अब देखो क्या कह रहा है इन विच द डायगनल आर इक्वल अब हमें देखना है कि डायगनल किस किस में इक्वल होते हैं ठीक है तो यहां से देखो यहां मैंने फिगर बना दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें इसकी ऑल फोर साइड्स रोम्बस में क्या होते, है? होते हैं ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है एक ऐसा पैरा जिसकी सभी साइड्स क्या हूं इक्वल हूं अब आप यहां से देखो इन्होंने बोला है द डायग्नल आर इक्वल अब आप देखो डायगनल किसमें इक्वल आते हैं तो अगर आप यहां पर देखोगे ये आपका एक रेक्टेंगल है इसके डायगनल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं डायगनल आर इक्वल रोमबस में डायग्नल कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल आए ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी मतलब हम इसमें नो का केस लेके चलेंगे अगर आप यहां से देखो ये वाला डायग्नल बड़ा है और ये वाला डायगनल क्या है छोटा है तो मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके डायग्नल क्या आए इक्वल आए और स्क्वेयर में आपके दोनों डायग्नल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं मतलब डायगनल इक्वल किस किस में आ रहे हैं डायगनल रेक्टेंगल में और स्क्वेर में कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं अब दूसरी चीज पूछ रहा है बाइसेकट इच अदर एट राइट एंगल और वो देखो आपके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने चाहिए तो अगर अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये यह जो डायगनल एक, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 पे नहीं कर रहे हैं राइट एंगल पे आप देखो ये वैसे तो देख के ही पता चल रहा है अगर आपको नहीं ऐसे समझ आता तो आप अपना प्रोडक्ट यहां सेट करके देख लो एक डायग्नल पे अपना प्रोटेक्ट रखो अब आप देखो 90 तो यहाँ आना चाहिए था देखो 90 तो यहाँ यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये तो उससे कम है है ना देखो ये तो कम है यहाँ पे तो यहाँ पर जो आपके डायग्नल है वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं इस केस में ठीक है और इसमें और आपका डायग्नल नाइनटी डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं यस आएगा और जो आपका स्क्वेयर है इसमें डायग्नल दोनों इक्वल भी है और एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं तो यहां मैंने राइट कर दिया देखो मैंने इसके नीचे लिखा है स्पेशल ये सबसे पहले रहते हैं रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में डायगनल तो इक्वल है ठीक है डायगनल आर इक्वल बट नोट अब इसमें क्या आ गया बाईसेक्ट नहीं कर करता तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि बराबर तो है लेकिन 90 पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे ठीक है तो ये ऑप्शन नहीं है यहां पर देखो 90 पे बाइसेक्ट तो करते हैं यहां पर ठीक है 90 डिग्री का एंगल तो जरूर बनाएंगे लेकिन जो डायगनल है वो इक्वल नहीं होते डायगनल आर नॉट इक्वल ठीक है equal, तो दोनों कंडीशन ना इसमें फुलफिल हो, इस हो, हो रही है नाइस में फुलफिल हो रही है लेकिन दोनों कंडीशन कहा स्क्वेयर में फुलफिल हो रही है डायगनल इक्वल भी है और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर मतलब इसमें दोनों में क्या आ रहा है ट्रू बन रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा आएगा तो ये थर्ड ऑप्शन बन जाएगी स्क्वेयर के डायगनल इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं सेकंड पार्ट द डायगनल फोर ओम्बर्स आर इन द रेशो फाइव रेशियो ट्वेल्व दैरामीटर इज वन हंड्रेड 104 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगनल्स। अब इसमें देखें ध्यान से क्या दिया गया है पहले तो उसने कहा है ये है क्या चीज पहली बात तो ये क्या है रोमबस है और रोमबस की फोर साइड कैसी होती है इक्वल मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या आएंगी इक्वल आएंगे ठीक है आप यहाँ लिख दो इन रोम्बस ओर साइड्स आर इक्वल ओल साइड्स आर इक्वल तो आपके पास क्या आ जाएगा ए से बी बी से सी सी से डी और डी से ए ये सभी आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे अब आपको दिया गया है पेरीमीटर दिया गया है वन हंड्रेड फोर सेंटीमीटर तो मैं यहां लिखती हूं पेरीमीटर ऑफ़ रोमबस ये हमें दिया गया 104 सेंटीमीटर अब पैरामीटर क्या होता है तो बाउंड्री की लेंथ होती है मतलब इन सभी को अगर मैं ऐड कर दू ठीक है तो कितना आ जाएगा अगर ये ए है ये भी ए है ये भी ए और ये भी ए तो आपका क्या आ जाएगा पेरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है मैं इन सबको किसके इक्वल ले लेती हूँ ए और यहाँ लिख देते हैं लेट ये भी ए ले लिया हमने ये भी ए सेंटीमीटर ये भी ए सेंटीमीटर और ये भी ए तो फॉर्मूला आएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए फोर ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड फोर सेंटीमीटर तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन हंड्रेड फोर फोर मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो ए की वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर दे फोर साइड्स सभी साइड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर एक तो हमसे सभी पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स तो जो साइड्स है उनकी लेंथ कितनी आ गया सेंटीमीटर यहां पर एक पार्ट तो हो गया नेक्स्ट अब हमसे पूछा गया है देखिए हमसे कहा गया डायग्नल की भी लेंथ बतानी है अब हमें ठीक है अब आप यहां से देखिए डायग्नल की रेशियो दी गई रेशियो ऑफ डायगनल इज फाइव रेशियो ट्वेल्व रेशियो ऑफ डायग्नल हमें दी गई है रेशियो ऑफ डायगनल फाइव रेशियो ट्वेल्व हम लेट कर लेंगे लेट ये छोटा दिख रहा है बी डी छोटा दिख रहा है तो हम बी डी को लेट कर लेंगे फाइव एक्स एंड ए सी कितना आ जाएगा ए सी कितना आ जाएगा ट्वेल्व है तो ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व एक्स हमने दोनों को लेट कर लिया छोटे वाले को फाइव एक्स ले लिया और बड़े वाले को क्या ले लिया ट्वेल्व एक्स अब हमें पता है इसके जो तो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं ठीक है तो अब आप यहां से देखें ये ये वाला पूरा फाइव एक्स है और ये पूरा ट्वेल्व एक्स है हमें पता है बाइसेकट करें तो हाफ ऑफ हो जाएगा डायगोनल डायग्रल डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक टीचर, टीचर। देयर फोर देखो ये पूरा यहां से ये ओ से सॉरी बी से डी आपका फाइव एक्स है तो ओ से डी और ओ से बी क्या होगा बराबर होगा देअर फोर ओ से बी और ओ से डी बराबर होगा पूरा फाइव एक्स है तो हाफ ऑफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा फाइव बाई टू एक्स ये ए से सी के भी दो पार्ट होंगे ओ से ए और ओ से सी भी बराबर होगा ओ से ए बराबर आएगा ओ से सी के इक्वल और ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स का हाफ होगा मतलब ये कितना आ जाएगा सिक्स एक्स ठीक है तो यहां से देखिए हम फिगर के ऊपर लिख लेते हैं ये आ जाएगा फाइव बाई में टू एक्स ये भी आ जाएगा फाइव बाई में टू एक्स यहाँ से ये हाफ हुआ तो ये सिक्स एक्स और ये भी सिक्स एक्स ठीक है अब आप यहां से देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ठीक है हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी ओ ए डी ठीक है अब राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें थ्योरम लगेगी तो थ्योरम लगाएंगे हम यहां पर यूजिंग पाइथाकोरिस्म हाइपोटेनियस स्क्र इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में प्रोडिकुलर स्क्वायर अब हम सिर्फ इस ट्राएंगल की बात कर रहे हैं नाइनटी के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है मतलब ए डी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर ये किसके कोला है बेस हम ले लेते हैं ओ ए प्रोपेंडिकुलर हम ले लेते हैं ओडी ठीक है अब देखो ए डी अब हमने इसकी सारी साइड्स निकाल ली थी सभी 26 आई थी तो जो हाइपोटे है, उसकी लेंथ है 26 तो ये आ जाएगा 26 सिक्स स्क्र ओ से ए कितना है ये है सिक्स एक्स इसका स्क्वायर और ओ से डी है फाइव बाय में टू एक्स ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए कितना आएगा इसको फिलहाल मैं लिखती हूँ 26 सिक्स इंटू ही लिखूंगी ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर थर्टी सिक्स एक्स स्क् प्लस फाइव का स्क्वेयर करेंगे ट्वेंटी फाइव टू का स्क्वेयर करेंगे फोर और यहां से आएगा एक्स स्क् दोनों में यहां पर फोर एलसी थर्टी सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से वन फोर्टी फोर एक्स स्क् और नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन एक्स स्क्वेयर बाय में फोर ठीक है और यहां से हमारे पास चल रहा था ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी सिक्स मैंने जानबूझ के स्क्वेयर नहीं किया वैसे तो मुझे पता है इसका स्क्वेयर क्या होता है अब हम एक्स स्क्वेयर को एक तरफ रखते हैं यहां जाके जा हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी सिक्स ये देखो फोर यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में तो फोर यहाँ नीचे से जाएगा ऊपर आ जाएगा लेफ्ट में लेके आएंगे और वन सिक्सटी नाइन कहाँ पर आ जाएगा नीचे ठीक है अब यहां पर देखो इसको कैंसिल करना बड़ा इजी है कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ अब आप यहां से देखें हमें पता 13 की टेबल में 13 टू सा होते हैं 26 और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते है तब आता है 169 थर्टीन वन जा थर्टीन थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स ठीक है थोड़ी सी जगह कम है यहाँ लिख देते हैं तो एक्स स्क्र किसके बराबर आ जाएगा एक्स पास आ जाएगा टू टू जा फोर और एक फोर यहां पर है तो मतलब फोर का स्क्वेयर आ जाएगा पावर सेम है तो बेस भी सेम तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर हमें बताना है यहां से कि डायगेल कितने आएंगे ठीक है देयर फोर डायगनल डायगनल एक तो ए है और एक बी है ए तो सी की वैल्यू कितनी थी ए सी पूरा था आपका ट्वेल्व एक्स यहाँ रहा देखो ट्वेल्व एक्स तो यहां लिखेंगे ट्वेल्व और एक्स है तो यहां लिख देंगे ट्वेल्व इंटू फोर ये कितना आ जाएगा फोर्टी एट सेंटीमीटर और जो आपका बी डी डायगनल है उसकी वैल्यू कितनी है ये पूरा था फाइव एक्स तो फाइव एक्स तो यहां आ जाएगा फाइव इंटू एक्स की जगह लिख देंगे फोर तो फाइव फोरजार ट्वेंटी सेंटीमीटर तो डायगनल की लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से डायग्नल आपका आ गया है डायगनल 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर डायगनल बताए थे और साइड्स कितनी आई थी साइड अभी आ गई थी 26 सेंटीमीटर तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पेयर ऑफ एडजस्टेंट साइड जो फोर रेक्टेंगल आ रही रेशो थ्री रेशो फोर एडजस्टेंट का मतलब होता है आप उसमें जो जुड़ी हुई है एक के बाद दूसरी जैसे ए बी है तो उसके साथ आप एडी ले सकते हो या फिर ए बी के साथ आप क्या ले सकते हो बी सी तो हमें यहां से दी हुई है साइड्स की रेशो दी गई है रेशो ऑफ साइड्स रेशो ऑफ एडज साइड्स ये हमें दी हुई है थ्री रेशो फोर तो हम लेट कर लेंगे लेट हम ये वाली नीचे वाली साइड जो ए बी है इसको ले लेंगे ए बी इज इक्वल टू पहला थ्री है तो मैं इसको ले लेती हूँ थ्री एक्स तो हमारा जो इसकी एडजस्टेंट साइड है ए डी वो कितनी आ जाएगी फोर एक्स इस पर लिख भी देते हैं ये थ्री एक्स आ जाएगी और ये फोर एक्स अब अपोजिट साइड बराबर होती है ये थ्री एक्स है तो ये थ्री एक्स ये फोर एक्स है तो यहां से ये भी फोर एक्स अब हमें दिया गया इफ इट्स डायगनल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर ये जो रेक्टेंगल है इसका डायगनल कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर का है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अब आप यहां देखिए आपको पता है रेक्टेंगल में हर एक एंगल आपका नाइन्टी डिग्री होता है तो आपको यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग जाएगी तो एबीडी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हमारे पास होता है पायथागोरिस तो हमने लिखे ट्राइंगल डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्र प्लस में प्रोडिकुलर स्क्र अब इसमें देखिए हाइपोटेनस क्या होता 90 opposite side, है नाइनटी की अपोजिट साइड उसकी लेंथ है लेवेंटी तो यहाँ से आ जाएगा ट्वेंटी स्क्वेयर बेस है हमारे पास थ्री एक्स तो यहाँ से आ जाएगा थ्री एक्स स्क्र प्रोपेंडिकुलर है फोर एक्स तो यहाँ से आ जाएगा फोर एक्स स्क् ट्वेंटी का स्क्वेयर कितना होगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड थ्री एक्स का स्क्का तो नाइन और एक्स का एक्स स्क्र फोर का करेंगे तो फोर फोर झा सिक्सटीन और साथ में एक्स स्क्र इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्स फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड ये ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लीकेशन से डिवीज़न में आएंगे यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्र कैंसिल कर लो फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव फाइव एट फोर्टी जीरो फाइव 5 फाइव फाइव वनजा फाइव फाइव सिक्स थर्टी तो एक्स स्क्र की वैल्यू आई है सिक्सटीन तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू फोर स्क्वेयर होगा तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर अब हमें बताना था क्या क्या बताना हमें फाइंड लेंथ ऑफ द साइड्स तो लेंथ ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी देयर फोर हमें पता है ए बी और बी सी ए बी और DC बराबर है ए बी साइड और DC साइड जो आपस में बराबर है वो हमारे पास कितनी थी तो थ्री एक्स थी तो यहां से थ्री एक्स तो थ्री इन एक्स की जगह रखेंगे फोर थ्री फोर जार ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है ये तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और हमें पता है ए डी और सी इक्वल है ए डी बराबर है बीसी उसकी वैल्यू थी 4x तो यहां से आ जाएगा 4 इन टू एक्स की जगह रखेंगे 4 4 फोर द सिक्सटीन सेंटीमीटर ठीक है तो हमें चारों साइड्स आ गई है हमारे पास अब हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल देयर फोर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ टू इंटू हम लेंथ हमने थ्री एक्स ली हुई और थ्री एक्स का आंसर कितना मैं यहां लिख देती हूँ इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर और ये हमारा आ गया था सिक्सटीन सेंटीमीटर ठीक है तो लेंथ की जगह लिखेंगे ट्वेल्व प्लस में ब्रेथ की जगह रख देंगे सिक्सटीन ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर आपको बताना है साइड्स और पैरीमीटर दे फोर साइड्स आर साइड्स आर कितनी आएंगी ट्वेल्व सेंटीमीटर दो साइड तो ट्वेल्व ट्वेल्व है और दो साइड सिक्सटीन सिक्सटीन और पैरीमीटर आ जाएगा पैरीमीटर फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर यहां पर आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर एबीसीडी ज रोमबस डायगनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एबीसी अ रोम्बस तो मैंने यहां रोम्बस बनाया है रोमबस की हमारे पास क्या होती है रोमबस की सभी फोर साइड इक्वल होती है एबी बी सी सी डी एंड डी ऑल फोर साइड आर इक्वल अब हमें दिया हुआ है क्ट एट ओ इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करनी है कॉन्ग्रूव करनी है अब आपको पता है कॉन्ग्रोए ट्राइंगल प्रूव करने के बहुत सारे हमारे पास क्या है रिजल्ट है अब आप यहां से देखिए तो यह आपका क्या है रोमबस है और रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ठीक है थीके? तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी हम यहां लिख रहे हैं पहले ओ ए बराबर आएगा ओ सी के ओ ए बराबर ओ सी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी बराबर है ओ डी ओ बी बराबर है ओडी इसका रीजन क्या आएगा दोनों का सेम ही रीजन है रीजन क्या आएगा डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर कि ये तो आपने इन दोनों का तो रीजन आ गया डायगोनल बायसेक्ट ईच अदर एक हमें पता है रोम्बस है तो उसकी फोर साइड इक्वल होती हैं तो ए बी के कोरिस्पोंडिंग साइड ये आपके आ जाएगी डी सी ये भी आपकी क्या होगी बराबर होगी ए बी बराबर है डी सी रीजन आ जाएगा ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल सभी इक्वल आते हैं दोनों व्यास में कोलाएंगे तो आपने देखा देयरफॉर बाय क्या है ये ये तो तीनों साइड्स आ गई कि ये जो ट्रायंगल OAB है इसकी थ्री साइड्स ये जो ट्रायंगल ऊपर है OCD इसकी सभी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स क्या आ रहे हैं इक्वल आई देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ठीक है तो नीचे वाले ट्रायंगल का क्या नेम लिखेंगे आप या तो इसमें से ही देख, देख के लिख दो ये लिखवा रहे हैं AOB AOB ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल लेकिन हम एक बार चेक करेंगे कि क्या नेम आएगा ए से गए हैं ओ ओ से गए हैं बी मतलब दो कट वाली लाइन और फिर थ्री कट वाली लाइन तो यहां पर भी यही लेना है जिसके ऊपर दो मार्क है ये सी ओ और फिर जिसके ऊपर थ्री मार्क्स है तो सीओ डी सी ओ डी यही हमें प्रूव करना था ठीक है हमें ये करना था शो सोदा ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएट टू ट्राइंगल एओ बी इज कॉन्ग्रुएट टू सी ओडी तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर फोर हो गया क्वेश्चन नंबर द डायगनल रेक्टेंगल ए बी सी डी तो मैंने क्या ए बी सी डी आपको क्या एक रेक्टेंगल बनाया है जिसके डायगनल क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर इफ एंगल बी ओ सी बी ओ सी मतलब ये एंगल आपको दिया गया है सेवनटी डिग्री आपको फाइंड करना है फाइंड एंगल ओ ओ डी डी ए ए मैं इसको लिख लेती हूँ वन इसको लिख लेती हूँ टू एंगल वन की वैल्यू दी गई है सेवनटी डिग्री और मुझे एंगल टू फाइंड करना है ठीक है अभी हम यहां से देखेंगे अभी मैं लिखती हूँ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री अब आप अगर देखे तो ऐसे क्रॉसिंग हो रही है क्रॉस बन रहा है आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और दोनों की कैसे होते हैं इक्वल तो हम लिखेंगे एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अब हमें पता तो एंगल थ्री कितना आ जाएगा जब एंगल वन की वैल्यू सेवनटी है तो एंगल थ्री भी हमारे पास आ जाएगा सेवेंटी डिग्री अब हमें देखो पता है क्योंकि कि ये क्या है आपका ये तो आपको एक रेक्टेंगल एंगल दिया है हमें पता है इसके जो डायगनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेकट भी करते हैं बाइसेकट करने का मतलब क्या आ जाएगा देखो अगर मान लीजिए ये टेन है तो ये भी टेन आएगा क्योंकि दोनों डायगोनल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं अगर ये टेन है और ये टेन है और आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है मतलब बराबर बराबर भी बांटता है अगर ये पूरा टेन है तो ये इधर फाइव और फाइव आएगा अगर ये पूरा टेन है तो यहां पर भी फाइव फाइव मतलब सभी पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो आपको यहां पर ना मेंशन करना पड़ेगा सिंपल बाईसेक्ट कर लिखने से नहीं काम चलेगा आपको लिखना पड़ेगा डायगनल रेक्टेंगल आर इक्वल इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं तो आपका ये जो ओ से ए है और ओ से डी क्या आ जाएगा बराबर ओ ए देयर फोर ओ इज इक्वल टू ओ डी ठीक है ये आपके दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे इक्वल अभी अगर आप यहां पर देखोगे मैं यहां से ना इस ट्रायंगल को दोबारा से बना रही हूं क्योंकि अगर सबको इकट्ठा देखोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे ओ ए डी मैं इसी ट्राइंगल को निकाल के इधर लिखा है मैंने यहां पर यह है एंगल थ्री जिसकी वैल्यू है सेवेंटी डिग्री यह है एंगल टू और इस एंगल को मैं नेम दे दे देती हूं फोर ठीक है ये वाला एंगल है फोर अब आपने देखा कि जब इसके सभी पार्ट इक्वल ये जो दोनों डायगनल है वो आपस में इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी है कर रहे हैं तो ये सभी पार्ट आपस में कैसे आएंगे इक्वल आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ओ से ए और ओ से डी क्या आ गए ये तो बराबर आ गए हैं अब ये तो क्या देखो अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसे देखोगे कि ये जो ट्रायंगल है इसकी दो साइड इक्वल है अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या आएंगे इक्वल आ जाएंगे तो एंगल टू और फोर आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल तो हम यहां लिखेंगे देर फोर देखो ट्राइंगल ओ इट इज एन एक्सल ट्राइंगल तो आपका जो एंगल टू है और फोर है वो भी आपके कैसे आ जाएंगे एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर तो यहां पर रीजन लिख दिया है बिकॉज इफ टू साइड ऑफ ए ट्राएंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू दीज साइड आर ऑल्सो इक्वल मैं बीच में वीडियो पोज करके ये लिख रही हूं क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है तो आप इसको पढ़ लेना यहाँ से तो एंगल टू और फोर आपस में कैसे आ गए इक्वल अब हमें बताया ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है हमारे पास होता है 180 डिग्री एंगल व, टू प्लस थ्री प्लस फोर एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन डिग्री और रीजन क्या आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल के सभी एंगल का सम हमारा होता है 180 डिग्री अब आप यहां से देखें एंगल टू मुझे फाइंड करना है मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है एंगल थ्री की वैल्यू है सेवेंटी डिग्री और टू और फोर आपस में इक्वल है तो मैं फोर की जगह भी टू से ही रिप्लेस कर सकती हूँ तो यहां से आ जाएगा एंगल टू एंगल टू दो बार आया तो मैं इसको लिखूंगी टू एंगल टू वन एट्टी प्लस के सेवेंटी इधर आके माइनस के सेवेंटी होंगे तो एंगल टू कितना आ जाएगा इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा वन टेन ये टू मल्टीप्लीकेशन में है दूसरी तरफ जाएगा तो कहा चला जाएगा डिवीजन में कैंसिल करते हैं टू वन जार टू फाइव टेन टू फाइव टेन देर फोर जो आपका एंगल टू है उसकी वैल्यू कितनी आती है डिग्री डिग्री और एंगल एंगल है 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 कौन सा है? तो यही ओ ओ डी डी ए ए इज हमें यही बताना था कि ओ डी ए कितना आएगा तो ये आपका आ जाएगा फिफ्टी फाइव डिग्री क्वेश्चन नंबर सिक्स सी एंड ए डी सी आर टू इक्वीलेटर ट्राइंगल देखो इक्विलेटरल से हमें पता है इक्विलेटर ट्राइंगल कैसी होती है जिनकी सभी साइड और सभी एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल एबीसी तो मैंने यहां लिया एबीसी एंड एडीसी आर टू इक्विलेटर ट्राइंगल ओन कॉमन बेस ए सी तो मैंने बीच में पहले तो ए सी साइड ली जितना भी आप लेना चाहो टू थ्री जितना भी आप लेना चाहो उतना ले लेना अब इन्होंने कहा अगर जितनी ए सी है इसके ऊपर एक तो आपको ट्राइंगल बनानी है एबीसी और इक्विलेटरल होनी चाहिए इक्विलेटरल है तो मतलब ये सभी साइड्स कैसी हो जाएंगी इक्वल और एक नीचे की तरफ ट्राइंगल बनानी है ए एडीसी एडीसी अब जितनी देखो अगर ये इक्विलेटरल है तो जितनी साइड ये है उतनी ही आएंगी मतलब ये तो जितनी भी हमें फाइव साइड दिख रही है तो सभी इक्वल है फाइंड द एंगल ऑफ द रिजल्टिंग क्वारटर ये पूरा क्वारिलेटर बन गया इसके हमें एंगल फाइंड करने है शो दैट इट इज अ रोमबस और हमें यह भी बताना है कि ये क्या है रोमबस आएगा तो देखो ये पूरा क्वेश्चन मतलब एक बार तो सारा एंगल्स के हिसाब से करना है और एक बार सारा क्वेश्चन हमें साइड्स के हिसाब से करना है तो मैंने यहाँ लिखा है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी इक्विलेटर ट्राइंगल है यहाँ पर मैंने एंगल को नेम दे दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अब दोनों अगर इक्विलेटेड ट्रायंगल हैं तो ये पहले हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं तो ये जो आपका एंगल वन टू और थ्री है एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री ये सभी कितने के होंगे सिक्सटी डिग्री के ये तो पहले वाले ट्राइंगल की बात होगी और नीचे ऐसे ही एंगल फोर फाइव और सिक्स ये भी एंगल फोर एंगल फाइव और एंगल सिक्स ये भी सभी किसके होंगे सिक्सटी सभी सिक्सटी सिक्सटी डिग्री के हो जाएंगे ठीक है अब हमें क्या करना है तो ये जो आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया है एक तो सभी एंगल बराबर है और सभी साइड्स भी बराबर हैं तो मैं पहले यहां पर बीच में लाइन लगा के साइड्स का भी लिख देती हूं क्योंकि इक्विलेटरल है तो आपकी ए बी बी सी और यहां से लिख दो ए बी साइड बराबर आएगी बी सी साइड के और, और बी सी ए बी बी सी और ए सी ये सभी साइड कैसी होंगी इक्वल इसको इक्वेशन वन लिखते हैं नीचे वाले भी आपके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए सी बराबर आएगी सी डी के और सी डी बराबर आएगी डी ए के ये आपकी सेकंड हो होगा सभी एंगल्स इक्वल है और सभी साइड इक्वल है अब आप यहां से देखो आपको बताना है कि जो आपका क्वारिलेटर है ए बी सी डी इसके रिजल्टिंग एंगल बताने है। तो आपको एक तो पूरा अगर आप सिर्फ क्वारिलेटर की बात करें तो ए पॉइंट पर पूरा ए एंगल बनेगा दे एंगल ए कितना आ जाएगा अगर आप एंगल ए देखेंगे तो पूरा इतना है टू प्लस फोर है एंगल टू प्लस में एंगल फोर तो एंगल टू की वैल्यू कितनी है सिक्सटी और फोर की वैल्यू भी कितनी आएगी सिक्सटी तो ये कितना आ जाएगा एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी डिग्री एंगल ए फाइंड होगा ठीक है अब एंगल बी कितना आएगा एंगल बी तो हमारे पास कितना है एंगल बी तो हमने पहले ही फाइंड कर कहा एंगल बी एंगल वन के बराबर है और एंगल वन कितना आया था सिक्सटी ये आपका था ये सिक्सटी मैं लिख देती हूँ यहां से थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा ठीक है एंगल बी कितना आ जाएगा ये तो सिक्सटी डिग्री है बी भी हमने फाइंड कर दिया नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एंगल सी एंगल सी थ्री प्लस फाइव आएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस में एंगल फाइव एंगल थ्री भी सिक्सटी है और एंगल फाइव भी सिक्सटी है तो सिक्सटी प्लस सिक्सटी कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी एंगल सी की भी वैल्यू आ जाएगी वन ट्वेंटी डिग्री नेक्स्ट हमें बताना है एंगल डी एंगल डी तो हमें इसमें दिख ही रहा है सीधा ये कितना है सिक्सटी डिग्री तो हमारे पास देखो क्या आ गया हमारे पास ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है इसके सभी एंगल्स कैसे आ गए वैल्यू फाइंड हो गई है ये सिक्सटी ये सिक्सटी ये पूरा वन ट्वेंटी ये भी पूरा वन ट्वेंटी अब आपको यहां पर दिखाना है शो दैट इट इज अ रोम्बस आपको प्रूव करना है कि ये रोमबस भी है रोम्बस क्या होता है रोम्बस आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड कैसी होती है इक्वल होती है अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्योंकि ऊपर वाली आपके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल थी तो हमारे पास रिजल्ट था ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी अब नीचे वाली भी आपके क्या थी इक्विलेटरल ट्राइंगल थी तो उसकी भी तीनों साइड इक्वल थी ए सी सी डी और डी ए लेकिन अगर आप यहां देखेंगे ए सी और एसी ए तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है ठीक है तो मतलब यही ए सी किसके बराबर है सी डी के और यही डी ए किसके बराबर है सॉरी so, यही सी डी आगे किसके बराबर है ए डी मुझे तो चार साइड्स का रिलेशन चाहिए तो अब आप यहां से देखो ए बी बराबर है बीसी ये दोनों साइड बराबर आ गई और सीधा यहां पर जाती हूं मैं क्योंकि सभी पांचों ही इक्वल है तो बीच में से इसको छोड़ भी दू तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर पा, अगर पांचों चीजें बराबर है तो उनमें से चार भी तो आपस में बराबर हुई ना ए बी लिख दिया बीसी लिख दिया सी डी लिख दिया और डी ए लिख दिया ये क्या है तो क्वारिलेटल की फोर साइड है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ठीक है ऑल फोर साइड आर इक्वल ऑल फोर साइड ऑफ क्वारेटल एबीसीडी आर इक्वल अब सभी फोर साइड आपके इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा बी सी डी इज अमबस इज आ रोमबस ठीक है हमें यही बताना था कि आपका क्या जाएगा रोमबस तो यहां होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन एबीसीडी इज अरेक्टेंगल आपको ये पूरा एक रेक्टेंगल दिया गया एबीसीडी इन विच डी पी देखो यहाँ पहले तो हमने क्या ज्वाइन किया ए सी एक डायग्रनल ज्वाइन किया डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और बी से क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन ये भी मैंने आपको बताया है शो दैट अभी सबसे पहले देखिए हमें बताना है ट्राएंगल ए डी पी ए डी पी ये जो आपकी ट्राइंगल है ये और यहाँ से सीबी क्यू सी बी क्यू ये ये छोटी ट्राइंगल और ये छोटे ट्राएंगल हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रट है ठीक है हम यहाँ से देखो हम लिखेंगे मैं डायरेक्ट ही करूंगी सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट करेंगे इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का ने ए पी डी ए पी डी लिख लो या ए डी पी एंड ट्रायंगल सी बी क्यू अब आप यहां से देखें एंगल वन और एंगल टू ईच 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं तो 90 डिग्री आएगा ही एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच नाइन्टी डिग्री इसको इक्वेशन वन लिखेंगे ठीक है अब इसके बाद आप यहां से देखें आप मुझे बता सकते हैं क्या ये एंगल ये जो थ्री है क्या ये एंगल फोर के इक्वल आएगा आ जाएगा क्योंकि आप देखो ये पूरा आपका क्या है एक रेक्टेंगल है ना आपका पूरा एक रेक्टेंगल है तो अगर आप यहां से देखें रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम वो होता ही है ये वाली साइड इसके बराबर भी और इक्वल भी ये वाली साइड इसके बराबर भी और इक्वल भी ठीक है ये तो हो गया हमारे पास ठीक है अब आप यहां से देखें तो अगर आप यहां से देखें ऐसा उल्टा एन बन रहा है यहां से देखें ऐसे उल्टा एन बन रहा है अगर मैंने आपको बताया था उल्टा सीधा जेड उल्टा सीधा एन बने उल्टा सीधा एन बन रहा है ना ठीक है उल्टा एन बन रहा है आपका तो थ्री और फोर क्या आ जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल थ्री एंगल फोर, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है ये कैसे आ जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू अब आप ये देखें अगर दो ट्रायंगल में दो दो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है ये वाला इसके बराबर है ये वाला इसके बराबर है तो ये जो आपका फाइव है वो आपका सिक्स के अपने बराबर आ जाएगा ठीक है आपका आ जाएगा एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स ये क्यों आ जाएगा बाय थर्ड एंगल प्रॉपर्टी लिख लो या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय थर्ड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या फिर आप लिखोगे और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अब मैं बताऊंगी आपको देखो ये होता कैसे है आप यहां से देखें दो ट्राइंगल है हमारे पास ठीक है एक ट्राइंगल ये है एक ट्रायंगल ये है इसका नेम लिख लेते हैं ए बी सी और इसका नेम रख देते हैं पी क्यू आर अब यहां से देखो अगर ये सिक्सटी है ठीक है इन्होंने दिया ये सिक्सटी है इन्होंने बोला ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्री है इन्होंने बोला ये आपका आ रहा है सेवनटी डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है सेवनटी डिग्री अब आप देखो दो दो तो एंगल इक्वल आ रहे हैं ना है ना इसमें अगर एक इसमें सिक्सटी है तो इसमें भी सिक्सटी है अगर इसमें एक सेवेंटी है तो इसमें भी सेवेंटी है अब आप यहां से बताओ कि तीनों एंगल का सम कितना होता है क्या आपको बताना है क्या ये जो सी एंगल है क्या वो आर एंगल के बराबर होगा अब मैं क्या करती हूँ मुझे तो पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है इसको 60 डिग्री मिल गया इसको 70 डिग्री मिल गया तो इसको कितना मिलेगा आपको पता है टोटल 180 होता है ठीक है इनका सम करते हैं 60 प्लस सेवनटी का सम करते हैं तो ये कितना आता है वन थर्टी अगर वन एट्टी में से वन थर्टी माइनस कर दू तो ये कितना आएगा फिफ्टी डिग्री यहां से मतलब इस थर्ड एंगल की कि वैल्यू कितनी कि आई फिफ्टी डिग्री ऐसे यहां पर भी मुझे पता तीनों एंगल का सम कितना है वन एट्टी डिग्री इसके पास 60 इसके पास 70 दोनों को प्लस कर दे तो कितना आएगा 130 थर्टी माइनस करते हैं तो 50 मतलब ये वाला कितना आया 50 डिग्री यहां से भी 50 यहां से 50 अगर दो दो एंगल पहले से बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर आ जाता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल का सम वन होता है ना वन की हेल्प से ही तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर रहे हैं तो मैंने यहां लिख दिया है आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आप यहां पर लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी और बाय थर्ड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो ये भी फाइंड हो गया इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर थ्री अब आप ये बताएं अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रंट प्रूव करना चाहूं तो वन टू थ्री से तो मेरे पास ये सभी एंगल आ गए और हमारे पास ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि एंगल 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 अगर दोनों को कॉन्ग्रंट प्रूव करना हो तो हमें एक साइड तो मिनिमम चाहिए होती है तो आप देखो ये आपका क्या है ये तो आपका एक रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड कैसी होती है इक्वल तो यहां से लिखो ए डी इज इक्वल टू सी बी या फिर अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल ये हो गया हमारा फोर्थ अब आपको देखो अगर आपको प्रूव करना हो, तो आपके पास क्या है चार कंडीशन है ना ठीक है उन चार में से आपको कोई साइड 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 है एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड या RHS. अब आपको देखना इनमें से आप कौन सी यूज करोगे अब क्योंकि एक साइड आ चुकी है मतलब आपको साइड वाली तो लेनी ही पड़ेगी ठीक है मतलब क्योंकि साइड वाला तो कोई ना कोई रूल यूज होगा ही ना तो साइड तो चाहिए ही है अब इनमें से तीन में से कौन सी यूज होगी आप ये देखो इस साइड पर कौन कौन से एंगल बने हैं थ्री और फाइव तो अगर आप एंगल साइड और एंगल रूल लगाएंगे तो आपको फाइव एंगल वाली मतलब ये वाली इक्वेशन उठानी पड़ेगी थ्री एंगल वाली मतलब ये इक्वेशन उठानी पड़ेगी और साइड साइड किस में आ रही है फोर में तो हम लिखेंगे देअर फोर बाय इक्वेशन टू थ्री एंड फोर टू थ्री एंड फोर यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कॉन्ग्रुएंस कंडीशन तो हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी इस ट्राइंगल का नेम क्या है ए डी पी ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल देखो ए डी पी है अब देखो ए के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आ रहा है सी आ रहा है ना क्योंकि थ्री और फोर एंगल एक आ रहे थे। तो यहां से आ जाएगा सीबी क्यू सीबी क्यू फर्स्ट पार्ट हो गया नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देखो क्या करना था हमें प्रूव करना था एडीपी एंगल एंगल एडीपी ए डी पी बराबर है एंगल सीबी क्यू के पहले आप देखो इस फिगर में कौन सा आ रहा है एडीपी ए डी पी मतलब फाइव और सीबी क्यू सीबी क्यू सिक्स फाइव और सिक्स को आपको इक्वल प्रूव करना है तो हमने प्रूव किया यहां पर फाइव और सिक्स को तो हम, तो हम यहां लिखेंगे प्रूवड अबव प्रूवड अबव इन इक्वेशन फाइव सिक्स वाली हमारी थ्री इन इक्वेशन थ्री तो मतलब हमने इसको इक्वेशन थ्री में पहले ही प्रूव कर दिया Next है नेक्स्ट है थर्ड पार्ट डीपी बराबर है बी क्यू डी पी बराबर है बी क्यू ये जो DP लाइन सेगमेंट है वो बी क्यू लाइन सेगमेंट के अब आप देखो DP और बी क्यू आप इसको सीधा लिख दोगे CT ठीक है ऐसा क्यों लिख देंगे क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल कोंग्रेन कौर, प्रूव किया है तो उनको कोरिस्पोंडिंग पार्ट के आ जाएंगे इक्वल तो यहां से जो DP प्रपेंडिकुलर है वो BQ प्रपेंडिकुलर के क्या आ जाएगा इक्वल तो यहां पर ही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर थ्री हो गई है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच